हे गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। अभी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पिनफैक्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो देखिए थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खास होने वाली है, लेकिन इस खास वीडियो को देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको इसको लास्ट तक देखना। जी हाँ, ताकि जानकारी जो है वो पूरी मिले। आप जानते हैं ना, आधी जानकारी जो होती है वो किसी काम की नहीं होती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया फटाफट से कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। भाई देखो, कल जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज खेली गई ना, क्या खेली गई भाई। मतलब बेचारे वेस्ट इंडीज वालों को भारतीय खिलाड़ियों ने जो धोया है, मतलब कोई साबुन भी क्या ही धोएगा। ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज की ऐसी धुलाई देखकर मुझे तो भाई मजा आ गया, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। अगर आपको भी आनंद ही आनंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने वेस्ट इंडीज की ऐसी धुलाई की है। ऐसा पहले भी देखिए कई बार हो चुका है जब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के हाथों बिना डिटर्जेंट पाउडर के जमकर धुले गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको वेस्ट इंडीज के ऐसे ही रगड़ रगड़ कर की गई धुलाई के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इससे पहले भी 4 ऐसे वनडे मुकाबले हो चुके हैं जिन्हें फैंस शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। एरो गैरो का तो भैया पता नहीं, लेकिन हाँ, जो क्रिकेट की पूजा, मेरा मतलब है कि क्रिकेट के सच्चे वाले फैन है ना, वो कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 के संग। फैंस जिस मुकाबले को सपने में भी नहीं भूल सकते, कुछ ऐसा ही मुकाबला है ये वाला। जी हाँ, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच साल 2018 में खेला गया यह वनडे मुकाबला अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वो मैच है जब भारत के कोहली बाबा का करियर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की वाले मूड में था। सन 2018 में गुवाहाटी में खेले गए इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने 322 रन उखाड़ दिए। बल्लेबाजों ने अपना पसीना बहाते हुए रनों की खूब बरसात की, लेकिन उन दिनों भारत के कोहली बाबा अपने रौद्र रूप में थे, बिल्कुल सुनामी के माफिक, और विकेट के पीछे खड़े होते थे महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, साथ ही यहाँ रोहित शर्मा का भी दमदार प्ले देखने को मिला था, क्योंकि इस स्कोर को भारत ने सिर्फ 42.1 ओवर में ही पार कर लिया। रोहित ने 117 गेंदों पर 152 रन जो लगाए ना, मजा ही आ गया था। जबकि विराट कोहली ने 107 गेंदों पर 140 रन जड़े। जी हाँ, बेहतरीन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने इस मैच को 8 विकेटों से जीत लिया। हालांकि यहाँ ऋषभ पंत भी थे जिनका ये डेब्यू मैच था, लेकिन अपने कोहली ने उन्हें बैटिंग करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं संभालूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 2, चलिए अब आपको बताते हैं वेस्ट इंडीज की धुलाई का किस्सा। नंबर 2, वेस्ट इंडीज की धुलाई दूसरी बार इंदौर में की गई थी, क्योंकि ये साल 2011 की इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच इंदौर में खेली गई ओडीआई सीरीज है। इस सीरीज में जो सिक्का है वो अपने हक में ही गिरता है। जी हाँ, क्रिकेट के मास्टर दी वन एंड ओनली सहवाग ने बैटिंग करने का निर्णय लिया, और फिर तो भैया वेस्ट इंडीज की जो पिटाई हुई ना, जो पिटाई हुई कि बस क्या ही कहें। इस मैच में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने 176 रन तोड़ दिए। उसके बाद रैना भाई के साथ दूसरे के लिए 140 रन तोड़े। ये एक ऐसा मैच था जिसमें देखिए एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हुए। सहवाग ने भी उस दिन अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेली। जी हाँ, 219 रन बेहतरीन वाले ठोके और तोड़ दिया। अरे दिल नहीं यार, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। अब इस मैच में एक और खिलाड़ी था जिसने 16 गेंदों पर 27 रन ठोके, और यही वो खिलाड़ी था जिसने आगे चलकर वीरेंद्र का ये रिकॉर्ड तोड़ा। अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट लवर है तो भाई ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप बताएं कौन है वो। बता कौन है। नंबर 3, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दोस्तों एक ऐसे ही मैच खेला गया था 1983 में। जी हाँ, ये था 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल, जहां पर क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी कपिल देव ने वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने के सपने को डायनासोर की तरह गायब कर दिया था। ये मैच भारत ने 43 रन से जीता और पहली बार भारत वर्ल्ड कप में चैंपियन बना। वो दिन कभी नहीं भूल सकते। पास नंबर 4, अब बात आती है मैच नंबर 4 की, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हीरो का फाइनल कोलकाता, जो खेला गया था 1993 में। दोस्तों, ये वही मैच था जब वेस्ट इंडीज की टीम में युवा खिलाड़ियों की एंट्री की गई थी, लेकिन सभी का जोश धरा का धरा रह गया अनिल कुंबले के सामने। जी हाँ, हमारे जंबो ने इस मैच में 12 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। अब यहाँ भी आपके लिए सवाल कि कुंबले के इस रिकॉर्ड को आगे चलकर किसने तोड़ा, बताओ। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कल टीम इंडिया ओडीआई में वेस्ट इंडीज के साथ मैदान पर उतरेगी, और अगर सब कुछ ओके रहा तो भैया इंडिया जीत का झंडा भी लहराने में बिल्कुल सफल रहेगी। वेल, मेरी तरह आप भी अगर इस मैच का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन फटाफट से प्रेस करो, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं जाने माने अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।